ओके सो स्टार्ट द थिंग्स विद R1। डिटेल हमने देख ली है, सो R1 से हम स्टार्ट लेते हैं। और सिंपल सी कमांड्स हमारे पास मौजूद होंगी, और मैं जरा ये स्क्रीन आपसे शेयर कर लूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं जरा डेस्कटॉप ही शेयर कर लेता हूं आपसे, वरना मुझे बाय टाइम जो है आपसे लेट मी क्लियर द थिंग्स। ओके जी, सो डेस्कटॉप नहीं शेयर हो रहा था, मैं टाइम जाए किए बगैर जो है R1 पे आ गया हूँ। ये मैं बाय टाइम आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है जी, हम R1 पर हैं, और R1 पर जो है इस वक्त हमारे पास 3 नेटवर्क चल रहे हैं। नेटवर्क हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और उनको हमने अनाउंस करना है। ठीक है, सो हम यहाँ से जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है ना, कमांड्स आपको पता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पर जाने की, और हम यहाँ से करते हैं राउटर रिप। ठीक है जी, अच्छा राउटर रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके 2 वर्जन थे, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 को हम यूज नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली गो फॉर वर्जन 2, क्योंकि वर्जन 1 अब हमारे लिए टोटली यूजलेस हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स, उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी, तो राउटर रिप किया हमने। राउटर रिप करने के बाद हमने उसको कहा जी वर्जन आपने क्या करना है, 2 करना है, क्योंकि 1 हमारे लिए यूजलेस है। और हमने नेटवर्क अनाउंस करने हैं, और वो नेटवर्क हमारे पास 2 हैं इस वक्त, यानी 172.30.0.0 का नेटवर्क है। ठीक है जी, सॉरी शुरू में मैंने नेटवर्क की कमांड देनी है, आई फॉरगॉट अबाउट इट। ओके जी, नेटवर्क 172.30.0.0 कर देना है मैंने, और उसके बाद मैंने करना है 209 अगेन नेटवर्क 209.165.200.0। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। देन ये 2 सिंपल सी कमांड्स हमने नेटवर्क की दी हैं, और इससे पहले राउटर रिप और वर्जन 2 की कमांड दिए। यही सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं बाकी भी तमाम के तमाम राउटर्स पर, और हमने उसके बाद इनके मैसेजेस को आपस में देखना है। यहां से मैं एग्जिट करता हूं, और मैं यहाँ पर जो है एग्जिट करने के बाद प्रिविलेज एग्जीक्यूटिव मोड पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और कमांड भी देख लेता हूँ, डीबग IP। अच्छा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा तो ये आपको बता देगा, आपको ICMP के मैसेजेस देखने हैं, आपको OSPF के मैसेजेस देखने हैं, आपको RIP के मैसेजेस देखने हैं। तो डेफिनेटली हम RIP के मैसेजेस को देखना चाहते हैं, तो हमने कर दिया RIP। ठीक है जी, ये काम हमने किया है, और इसके अलावा हम बाकी जो है अभी क्योंकि किसी दूसरे राउटर पर हमारे पास रिप इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लिहाजा स्क्रीन पर आपको मैसेजेस नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास बाकी राउटर्स पर इम्प्लीमेंट होगा प्रोसेस, तो आपको वहां पर भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं उसके बाद R2 की तरफ। R2 को हम ओपन कर लेते हैं, एंड मैं उसके बाद जाता हूं, और मैं आपसे जो नया शेयर है उसमें R2 को हम ले आते हैं ताकि आपको वो नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, राइट नाउ अब आपको स्क्रीन पर जो है R2 नजर आ रहा होगा। देन अगेन वी गो फॉर इट। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डेस्कटॉप ही मुझे शेयर करना पड़ेगा ताकि बैक एंड पर आपको स्क्रीन भी नजर आती रहे। ठीक वेयर इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ओके मैं ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन का एक पोर्शन आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब आपको आई होप दैट के सारी चीजें नजर आना शुरू हो गई होंगी। ठीक है, सो अगेन मैं R2 पर गया, R2 अब आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, अगेन आई वेंट टू द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पर भी सेम वही कमांड्स इंप्लीमेंट करनी है, राउटर रिप। ठीक है जी,
वर्जन सिंपली टू. नाउ हियर अब मेरे पास जो नेटवर्क आ रहा है वो नेटवर्क मैंने देना है 10.0.0.0 का, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने एंटर कर देना है, ठीक है ना. और इसके साथ ही मैंने नेटवर्क अनाउंस करना है, दो नेटवर्क है मेरे पास, ठीक है जी. नेटवर्क 209.165.200.0 का, ठीक है जी, ताकि वो दोनों के दोनों हमारे पास जो है मेंशन होना शुरू हो जाए, ठीक है जी. अब वो 233 वाला नेटवर्क भी आ जाएगा हमारे पास और बाकी की भी प्रिफिक्सेस हमारे पास एडिटेड आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी. अब मैं यहां से जो है कंट्रोल सी करके अगेन एग्जिट करता हूं और मैं यहां पे कहता हूं डीबग आईपी रिप, ठीक है जी. और अब आप स्क्रीन पर देखिएगा कि हमारे पास मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे. मैं R1 की स्क्रीन को भी ये देखिएगा, अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना, ये देखें अब अपडेट्स आना शुरू हुई हैं और वो कह रहा है कि जी मैंने एक राउटर और भी ट्रेस कर लिया है और ये देखें कंटिन्यूस अपडेट्स आ रही हैं. मैं जरा ऊपर तक जाऊंगा ताकि मुझे मैसेजेस उतनी फ्लुएंटली, ये देखिएगा, ठीक है, ये रिप वर्जन 2 सेंडिंग अपडेट्स किसको भेजी जा रही है, मल्टीकास्ट कर रहा है अगेन 224.0.0.9 मल्टीकास्ट एड्रेस से रिप वर्जन 2 का, ठीक है. और वो कह रहे सीरियल 00 पर मेरे पास ये आईपी चल रही है, ठीक है. और ये देखिएगा टोपोलॉजी बिल्ड करने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है और इन्हीं मैसेजेस को, ये तो मेरे पास यहाँ आ रहे हैं, और अगर इन मैसेजेस को मैं R2 पर देखना चाहता हूँ तो ये देखेगा R2 पर भी मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए, ठीक है. और ये देखेगा, ये देख रहे हैं 172.30, ये 30 का नेटवर्क यहाँ चल रहा है हमारे पास, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी. तो ये मैसेजेस हैं. अब ये जो बिहाइंड द सीन मैसेजेस ये कर रहे थे, हमने उनको जो है स्क्रीन पर देखना चाह रहे थे तो हमने डीबग कर दी और हमने कहा कि जी रिप के मैसेजेस को शो किया जाए ताकि इनिशियली हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके. ये देखेगा मैट्रिक भी आपको बता रहा है, एक की मैट्रिक 1 आ रही है, दूसरे की मैट्रिक क्या आ रही है, 2 आ रही है. थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आपने रिकॉल करना है, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है तो राइट नाउ आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज करते मुझे, ठीक है. बट आई होप दैट कि जी, क्योंकि हम सारी थ्योरी सेशंस के अंदर ये मामला निपटा चुके हैं तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब ये हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको जरा स्टॉप कर देते हैं और हमने कहा जी नो डीबग आईपी रिप, ठीक है जी, ऑफ कर दिया हमने. देखा जी मैसेजेस नहीं चाहिए हैं, बहुत हो गया, हमने जो देखना था वो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, ठीक है. और ये मैसेजेस देखें वर्जन 2 के हमारे पास आ रहे हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस और ये सारे के सारे नेटवर्क्स. ये देखेगा वन होप, कहीं पर आपको मैट्रिक 2 नजर आ रहा होगा, ठीक है, डिफरेंट मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं. अब हम चलते हैं और यही चीज जो है हमारे पास जो R1 पर थी हम वहां पर भी इसको स्टॉप करते हैं और जो कमांड हमने दी थी हम उसके शुरू में सिर्फ नो लगा देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऑफ. नाउ अब ये मैसेजेस स्टॉप हो जाएंगे. अब हम थोड़ा सा अपने राउटिंग टेबल को देख लेते हैं. हमने कहा शो आईपी राउट, ये देखिएगा अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई और उसने कहा जी 10 का नेटवर्क है, ठीक है, और ये 10 का नेटवर्क 1 होप पर है. ये 1 होप पर क्यों शो कर रहा है, ये 1 होप पर इसलिए शो कर रहा है, आप देखिएगा, ये देखें ये रहा 10 का नेटवर्क. अब जरा जो थ्योरी आपने समझी थी अब हम जरा उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर देखेंगे तो ये देखिएगा यहां से हम इस राउटर पर हैं, राइट, और ये वाला नेटवर्क हमें नजर आ रहा है, ये वाला नेटवर्क, ठीक है जी, ये देखें. और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 1, सॉरी मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ये देखिएगा 1 नजर आ रहा है आपको, ये देखें 1 नजर आया आपको, ठीक है. क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक होप यानी ये वाला राउटर मेरे लिए 1 होप है, ठीक है जी. अगर मैं एक होप के उस पार चला जाऊंगा तो मैं मुझे क्या मिल जाएगा, 10.0.0.0 का नेटवर्क मुझे मिल जाएगा. इसी तरीके से आप देखिएगा कि दूसरा नेटवर्क को कौन सा शो कर रहा है,
अगेन 209.165.200.232, ये देखिएगा 232 वाला नेटवर्क, वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, मैं जो हमने कचरा किया है इसको जरा हम साफ कर लें। ये देखिएगा, ये देखें जी, ये रहा 233, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बन रहा होगा, 232 बन रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास दो अपडेट्स R2 की तरफ से आई हैं। अब जरा हम R2 पर जाते हैं और R2 पर हमें सब अपडेट्स को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। हमने कहा जी आप बताएं शो आईपी राउट, वो कहता है बिल्कुल मेरे पास एक नेटवर्क आ रहा है, वो नेटवर्क कौन सा है, 172.30 का नेटवर्क है और ये मेरे पास यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए। ठीक है, और मैं किसके थ्रू जा सकता हूँ, इस एड्रेस के थ्रू जा सकता हूँ। और वो साथ में ये भी बता रहा है कि ये हमारे पास सीरियल 00 इंटरफेस से मैं अगर एग्जिट करूंगा तो सामने वाले R1 के राउटर पर मैं इसकी इंफॉर्मेशन ले लूंगा। तो जो हमारा मेन पर्पस था, अब आपने देखा कि हम बजाय इसके एक एक राउटर पर जाते, एक एक इंटरफेस ऐड करते, और अब वो काम हमारे पास एक नेटवर्क की कमांड ने आसान कर दिया है। ठीक है जी, अब हम R3 पर चलते हैं और R3 पर जाकर जो है, एक मिनट, ये देखिएगा R3 आया मेरे पास। ठीक है जी, अगेन ओके जी, कंट्रोल शिफ्ट बाहर आ गए। ठीक है जी, हमने इनेबल किया और साथ में हमने कॉन्फ टी कर दिया। ठीक है, और हम यहां पर आए हैं और हमने कहा यार इसको भी जरा स्क्रीन को हम इधर कर देते ताकि हमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता चलती रहे। ठीक है जी, हम यहाँ पर आए और हमने कहा राउटर रिप। ठीक है जी, वर्जन अगेन टू, नेटवर्क हमने अनाउंस करने हैं तो 172.30.0.0 का नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ एक और नेटवर्क हम अनाउंस करेंगे, नेटवर्क 209.165.200.0। ठीक है जी, ये हो गया और उसके बाद हम बाहर आए और थोड़ी देर में आप देखिएगा कि यहाँ पर भी हमारे पास शो आईपी राउट करने के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। हियर वी गो विद द रिजल्ट्स। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं और आप देखेंगे, ये देखिएगा ये वाली रिजल्ट्स, ये देखें। अब यहाँ पर एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आ गया 120 और साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है, टू क्यों लिखा हुआ आ रहा है। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो हम R3 पर है, हियर इज R3। ठीक है ना, और ये वाला नेटवर्क कहाँ चल रहा है, ये वाला नेटवर्क यहाँ चल रहा है। ठीक है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ये देखें जी, जो नेटवर्क आप वहां देख रहे हैं वो यहाँ चल रहा है, वो यहाँ चल रहा है, और वो नेटवर्क कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। कौन सा वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, ये जिसके सामने क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। तो ये टू होप्स क्यों दिखा रहा है, R3 पर है आप, एक होप ये हो गई, ठीक है ना, यानी पहले ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो दूसरी होप कौन सी हो गई, ये हो गई। तो आसान सा मैथ है, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 होप्स इसलिए आपको यहां पर शो कर रहा है। तो अब हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और अब हमारी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो आई थिंक सो के कंप्लीटली ऑपरेशनल हो गई होगी। ठीक है जी, मैं जरा इसको जो कचरा मचाया है इसको साइड पे कर दिया। ठीक है जी, अब हम एक और चीज वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो हमें राउटिंग अपडेट्स नजर आ गई, अब जरा हम राउटर्स पर जाते हैं और राउटर्स पर जाकर जो है अब हम पिंग करना शुरू करते हैं। अब देखिएगा कि अगर मैं यहां पर जाता हूँ, इस राउटर पर जाता हूँ, ठीक है ना, R1 पर, तो मैं इस नेटवर्क को, अब ये वाला नेटवर्क जो है 234 का नेटवर्क मेरे लिए क्या है, रिमोट है। ठीक है, अगर मैं इसको पिंग करना चाहूं तो इसके अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं, इसको मैं, मुझे पिंग करना चाहिए है। ठीक है ना, और मैं जाता हूं और मैं इससे कहता हूं कि हेलो मिस्टर R1, कैन यू पिंग अ रिमोट नेटवर्क, आईपी उसकी क्या है, 165.200.233। ये देखें जी,
रिप्लाई आ गया। मैंने कहा 234 को कर सकते हो, उसने कहा जी बिल्कुल हाजिर है जी। ठीक है, तो नेटवर्क हमारा क्या है, ऑपरेशनल है, वाइस वर्सा चेक करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आप उन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी डिटेल में आप जाना चाहते हैं आप डिटेल में चले जाएं। ठीक है जी, अब हम यहां पर आते हैं और पिंग करते हैं, कौन से नेटवर्क को पिंग करते हैं। हमने कहा पिंग करो 209.165.200. अब यहां पर देखिएगा ये वाला एड्रेस क्या चल रहा है, 229 चल रहा है। मैं कहां पर हूं, R3 पर हूं, तो इसको इसको पिंग करना चाहिए 229। हियर इज द थिंग। ठीक है जी, अगर मैं चाहूं कि जो है R2 पर, तो मैं वहां से भी सारी कम्युनिकेशन क्या कर सकता हूं, वेरीफाई कर सकता हूं। अच्छा, अब यहां तक तो हम आ गए हैं, हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हो गई है, ऑपरेशनल हो गई है। हम यहां से कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने नेटवर्क के अंदर कोई पीसी से भी पिंग करना चाहते हैं तो हम पीसी से भी क्या कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। हम यहां पर आए और हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप पर कोई आईपी कॉन्फिगर्ड है या नहीं है। लेट मी क्लियर फ्रॉम हेयर आईपी कॉन्फिगरेशन। अच्छा जी, आईपी नहीं है, हम आईपी डाल लेते हैं और आईपी हम यहां पर यूज करेंगे 172 के नेटवर्क की, और ये 30 है हमारे पास, और 100.2 एड्रेस रख लेते हैं इसका। सबनेट मास्क हमारे पास, क्योंकि सबनेटिंग हुई हुई है, तो 255 रखेंगे। और उसके बाद हमने टैप किया गेटवे, हम लाजमी बताएंगे गेटवे की इंपॉर्टेंस, हम प्रीवियस लैब्स के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और ये हमारे पास 100.1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की और उसके बाद हम चले गए कमांड प्रॉम्प्ट पे। हमने कहा जी गेटवे से जरा पिंग वेरीफाई करवा लेते हैं 172.30.100.1, क्योंकि गेटवे को पहले पिंग होनी चाहिए, गेटवे से हमें पिंग आ रहा है। ठीक है जी, और उसके बाद हमने कहा कि ना अब किसी रिमोट आईपी को पिंग करना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरे पास पिंग आना चाहिए। पिंग मैंने कहा जी 209.165.200.229। अभी 229 आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। हियर मैं R3 के बैक पर हूं और मैं R1 के सीरियल इंटरफेस को क्या कर रहा हूं, पिंग कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मेरे पास रिजल्ट्स आने चाहिए हैं, ठीक है ना, और ये रिप्लाई रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। अच्छा जी, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट पर चला गया है, आई थिंक सो के जी हम जरा इसके राउटर से वेरीफाई, ऑल दो हम कर चुके थे बट स्टिल वी नीड टू वेरीफाई फ्रॉम हियर। अच्छा, यहाँ से पिंग जा रहा है लेकिन ये आईपी मेरे जो डेस्कटॉप मशीन है वो इसको पिंग नहीं कर पा रही है, तो एक और ट्राई हम लेते हैं कि इसको पिंग करना चाहिए है। अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि जो हमने सबनेटिंग की है उसमें हमारे पास कोई इशू है, तो हमें उस ऑटोमेटिक समराइजेशन को जो हमने अंडरस्टैंड किया था उसको हमने डिसेबल करना होगा। बट इसे पिंग करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और आईपी पिंग कर लेता हूँ R2 के, जरा सीरियल इंटरफेस को हम पिंग करते हैं, हम उसे भी पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो 229 और ये आ रहा है 233। अच्छा जी, इस आईपी के साथ कोई मसला है, अदरवाइज ये देखें जी यहाँ पिंग आ गया है। ठीक है ना, इसने एक रिप्लाई दिया है, सिमुलेटर पर है हम, लिहाजा इसने अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट किया। मैं एक दफा फिर इसको पिंग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि दो रिप्लाई इसके आए हैं और एक रिप्लाई जो है ना उसमें थोड़ा सा ऐसे लेटेंसी आ रही है। ठीक है जी, खैर, लेकिन हमने देख लिया कि हमारे पास रिमोट के रिजल्ट्स आना जो है वो शुरू हो गए हैं और ये बाकियों के भी रिजल्ट्स जो है ना आने चाहिए हैं, लेकिन क्योंकि सिमुलेटर में हम जरा ट्रबल शूटिंग के मामलात में वीक हो जाते हैं, बट स्टिल हमारे पास जो है कम्युनिकेशन ओके, हम इसको ट्रबल शूटिंग में टाइम नहीं लगाते हैं, इसको देख लेंगे कि क्या मामला है। माइट बी के ऑल दो ये हमारे पास जो है ना ऑपरेशनल है, हम जरा यहाँ से इस पीसी को पिंग करके देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि पीसी के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, हमने कहा पिंग आईपी थी हमारे पास 172.30.100.1, जरा इंटरफेस को पिंग करें।
ठीक है जी, इसने भी पिंग कुछ तोड़ी है, उसके बाद इसने हमें पिंग दी है। अभी देखें, ये शायद सिमुलेटर का एरर है, वरना ऑल दो हमारे पास कुछ पिंग्स जा रही हैं, ठीक है जी, और उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट ये कन्फ्यूजन माइट भी कि हमने क्योंकि सबनेटिंग की हुई है, तो सबनेटिंग की वजह से भी कभी कभार जो है हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती। अब हम जरा इसके जो राउटिंग टेबल था, उस राउटिंग टेबल को देख लेते हैं, और हमने यहाँ पर लिखा शो आईपी राउट। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो डिटेल आ रही है ना 172 के नेटवर्क की, ठीक है जी, ठीक है ना। अब ये टू सबनेट्स है हमारे पास, लेकिन अगर हम रिमोट लोकेशन पर देखते हैं तो वो हमें टू सबनेट्स नहीं दिखाता, बल्कि वो हमें एक समराइज नेटवर्क दिखा रहा है, क्योंकि उसने उसको क्या किया हुआ है, समराइज किया हुआ है। इधर अगर मैं आता हूं तो ये देखिएगा शो आईपी राउट में करता हूं तो वो देखें, वो कहता है 172 का नेटवर्क क्या चल रहा है, एक ही चल रहा है हमारे पास। जब हम इसकी समराइजेशन को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, तो समराइजेशन हमारे पास जब डिसेबल हो जाएगी तो उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पास पिंग के अंदर लेटेंसी आ रही थी वो इशू भी आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास क्या चल रहा है, सब नेटिंग हुई हुई है, लेकिन उसने पूरा का पूरा होल एंड सोल समराइज नेटवर्क उठाया हुआ है। तो हम यहां पर जाएंगे और यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट कमांड देंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाकर हमने कहा राउटर रिप, ठीक है, और नो ऑटो समरी, यानी जो ऑटोमेटिक समराइजेशन आप कर रहे हैं, जो 24 की प्रीफिक्स लेंथ है आप उसको क्या मेंशन कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी ये काम ना करें, बल्कि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दें, ताकि राउटर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो फ्लुएंट हो जाए। हमने नो ऑटो समरी की, और यही कमांड जो है हमने दूसरे राउटर पर भी जाकर देनी है, और राउटर रिप, और हमने कहा नो ऑटो समरी, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन आप बाय टाइम सेव करते रहिएगा जब आप काम कर रहे हो, स्पेशली फिजिकल राउटर्स पर, लैब में जब आप काम करते हैं, ठीक है। तो हमने कॉन्फ़िग किया और यहाँ पर हमने कर दिया नो ऑटो समरी, सॉरी राउटर रिप, ठीक है जी, और यहाँ पर हमने किया नो ऑटो समरी, ठीक है जी। अब जरा हम राउटिंग टेबल देखेंगे तो अब पहले के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। हमने कंट्रोल सी किया, इंफॉर्मेशन को राइट किया, और हमने कहा नाउ अब आप हमें बताएं शो आईपी राउट, हियर आर द थिंग्स। नाउ अब हम देख रहे हैं, ये देखिएगा, पहले हमारे पास 24 वाला नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब हमारे पास वो नेटवर्क आना शुरू हो गया है, और वो एक्चुअल रिजल्ट्स भी बता रहा है। और ये देखिएगा प्रीवियस वाला, जरा जो देखे, ये देखें जो हमारा प्रीवियस राउटिंग टेबल था, प्रीवियस राउटिंग टेबल के अंदर वो क्या दिखा रहा है, सिर्फ 16 का नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक समराइजेशन की तरफ वो चला गया था। हम गए और हमने उसको कहा कि जी आप नो ऑटोमेटिक समरी की कमांड लें, और जो ऑटोमेटिक समराइजेशन है उसको हमने डिसेबल किया, तो रिजल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो गए हैं। तो अब आई थिंक सो, आई होप दैट के जी आपका जो ऑटोमेटिक समराइजेशन वाला प्रोसेस था उसको हमने डिसेबल कर दिया। नाउ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, अब हर एक नेटवर्क की डिटेल इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई है। अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे पास कुछ चेंज आया है या नहीं आया। तो हमने कहा शो आई पी राउट, ये देखिएगा जी, अब हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आना, ये देखें, पहले सिर्फ 8 का नेटवर्क आ रहा था, आप किसका आ रहा है साथ में, 16 का नेटवर्क भी आ रहा है, और डिटेल इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आना शुरू हो गई है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है जी, और ये देखिएगा, क्लियर, ठीक है जी। अब जरा हम पिंग करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि जी हमारे पास वो इशू सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ। आई होप दैट कि जी अब वो इशू हमारे पास नहीं होना चाहिए है। अब देखें, ठीक है जी, रिप्लाई आ गया हमारे पास, हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन एंड टू एंड हो रही है। अब हम किसी भी नेटवर्क को पिंग करना चाहें, ठीक है ना, तो हम पिंग कर सकते हैं। हमने उससे कहा नाउ अब जो हम R3 पर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं R3 के बिहाइंड हूँ, आई एम बिहाइंड R3, ये वाला सिस्टम है मेरा,
ठीक है जी। और मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोला है और मैं इस आईपी को पिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी मेरी पिंग होनी चाहिए 172.30.1.1, ये देखिएगा एक्यूरेट, ठीक है जी। अब मैंने कहा जी 2 के नेटवर्क को पिंग करें, गोइंग फाइन, ठीक है जी। तो अब हमारे पास हमने पहले राउटर पर जो है राउटिंग का राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो थे उसमें हमने रिप वर्जन 2 को इम्प्लीमेंट किया, हमने रिजल्ट्स को देखा, देन वी गो फॉर डीबग आईपी रिप, हमने मैसेजेस देखे, हमने राउटिंग टेबल को देखा, उसके बाद जो है हमने ऑटोमेटिक समराइजेशन को देखा और जितने भी टास्क थे रिलेटेड टू द रिप वर्जन 2 वो हमने इम्प्लीमेंट भी किए और उसके बाद हमने एंड टू एंड कनेक्टिविटी करके उसे वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।